अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे आप सब। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हमने होटल जो है खूबर में बुकिंग की हुई थी, और हमें बस यहाँ से गुड बाय कहने के बाद एक फ़ैमिली के साथ हमारा प्लान बना था बीच पे जाने का। तो बस हमारा जो है सब पैकिंग वगैरह हो चुकी थी, ऑलमोस्ट हम लोग रेडी थे। होटल को हमने गुड बाय कहा और हम यहाँ से सीधा जो है जिन फैमिली के साथ हमने डिसाइड किया था जाने के लिए, हम उनके घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट टाइम पर पहुँच चुके थे। उन्होंने जिस टाइम हमें बुलाया था हम वहाँ गए, तो उन्होंने हमारी काफ़ी अच्छी खातिर तवाज़ो की। और जो है वैसे हमने डिसाइड किया था कि हम लोग वहीं बीच पर जाके खाना पीना करेंगे, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने इतना अच्छा जो है सब इंतज़ाम किया हुआ था, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। फ़र्स्ट टाइम इनके घर पर इन्होंने कुछ जो है गिफ्ट भी दिए मुझे, और ये मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट थे इंडिया का। और जो है इसके अलावा जो है इनका मैंने प्लांट्स वगैरह देखे, मुझे इतने ज़बरदस्त लग रहे थे, तो मैंने जो है सोचा ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ भी। इन्होंने रूम में ही बहुत अच्छे से डेकोरेट किए हुए थे प्लांट्स से, और मुझे ख़ुद भी क्योंकि पर्सनली बहुत शौक है, तो मैंने कहा कि मैं भी ज़रूर ये आपको दिखाऊंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात का वेदर इतना ज़्यादा रफ़ और ड्राई होता है कि आप चाह के भी ना मेंटेन नहीं कर पाते हैं प्लांट्स वगैरह। बट एनी वेज हम यहाँ से फ्री हो चुके थे, इन्होंने एक और फैमिली को इन्वाइट किया था ताकि सब मिल के जाएँ बीच पर, तो थोड़ा इन्जॉय कर सकें। सो वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया था, हम बाहर निकले तो कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और हम वेट कर रहे थे कि सब चीज़ें सेटल्ड हो जाए तो हम उनको फॉलो करें। अच्छा, खोबर में हम जब लास्ट टाइम भी हमने स्टे किया था तो हम बीच में गए थे हाफ मून, लेकिन हम उस साइड पे नहीं गए थे कि हमें किसी न्यू जो है एरिया पे साइड पे लेकर जाना चाह रहे थे। सो ये हमारे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस था, इसलिए हम उन्हें फॉलो कर रहे थे। और जो है हमें ये भी टेंशन हो रही थी कि हमें जो है वापसी रियाद के लिए निकलना था, और बच्चों के साथ सफ़र थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जो है नई जगह देखने का भी उतना ही शौक था, तो हमने कहा खैर है, बात की बाद में देखी जाएगी। वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था और बस हमारा जो है सफ़र चल रहा था, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे बीच पे। और यहाँ रास्ते में जब हम बीच की तरफ जा रहे होते हैं तो एक स्पॉट्स आते हैं यहाँ पे दो तीन, जहाँ पे एक तरफ पैराग्लाइडिंग हो रही होती है, कुछ जगह यहाँ पे कार राइडिंग होती है, और डिफरेंट रेसिंग वगैरह भी हो रही होती है, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं बीच में। और हम लोग हर दफ़ा सोचते हैं कि रुकेंगे और यहाँ पर भी थोड़ा स्टे करेंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन कुछ ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी हम स्टे नहीं कर पाते, और इतना मज़ा आ रहा होता है यहाँ पर देख के, और दिल भी चाह रहा होता है कि आप भी जाएँ और यहाँ पर इंजॉय करें सबके साथ, क्योंकि जो है ये चीज़ें बहुत कम जो है एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। लेकिन हर दफ़ा प्लान होता है और उसके बावजूद हम नहीं जा सकते। ये आप देख सकते हैं यहाँ पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, और जो है काफ़ी थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है देख के, लेकिन मज़ा भी आ रहा होता है। और जो है बस हम ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही चुके थे, मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट करीब करीब था, और जो है मौसम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। स्पेशली जो इस टूर में हमें मज़ा आ रहा था वो ये था कि हमारे साथ जो फैमिली थी वो काफ़ी अच्छी थी, और जो है कम ऐसा होता है कि आप किसी नई जगह जाएँ और आपको नए लोग मिलें और वो भी इतने अच्छे हैं, तो माशाल्लाह जो है उन्होंने हमारा काफ़ी ख्याल रखा। और फाइनली जब हम बीच पे पहुँचे तो वहाँ भी बच्चों को देखभाल करना उन्होंने काफ़ी अच्छे से हर चीज़ देखी, और जो है क्योंकि पानी को देख के बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे और बिल्कुल उनका बस नहीं चल रहा था वो आगे चले जाएं। अच्छा, यहाँ का पानी मुझे वैसे समझ नहीं आता हर दफ़ा, और जो है इतना ज़्यादा डीप लग भी रहा होता है, लेकिन आप जितना आगे जाएँ तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती। और यहाँ बच्चे भी काफ़ी आगे आगे तक जा रहे थे, लेकिन जो है जिन फैमिली के साथ हम गए थे वो काफ़ी टेक केयर कर रहे थे बच्चों की, तो तो बिल्कुल टेंशन फ्री थी। लेकिन फिर भी जो है हमें बस यही टेंशन थी कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना था, मग़रिब का टाइम हो रहा था, तो हम चाहते हैं कि हमारा कुछ सफ़र जो है वो रोशनी में ही तय हो जाए। और जो है ये आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने इन्जॉय कर रहे हैं, और जो है बस पानी देख के तो बच्चों को फुल टाइम इन्जॉयमेंट चाहिए होती है। और जो है पानी जो है काफ़ी साफ़ सुथरा भी था, लेकिन हम जब लास्ट टाइम जहाँ गए थे जिस बीच पे तो वहाँ का पानी जो है वो ज़्यादा साफ़ था, बट नो डाउट यहाँ का पानी भी जो है अपनी जगह साफ़ सुथरा था। और बस टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, सूरज ग़ुरूब होने वाला था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो आंटी हमारे साथ आई थी जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वो साथ में चाय भी प्रॉपर सब बना कर लेकर आई थी, और फिर उन्होंने हमें चाय दी, हमने चाय पी, इस मौसम में चाय तो मस्त होती है। और जो है उसके बाद जो है बस हम निकलने की तैयारी कर रहे थे, मग़रिब का टाइम हो चुका था तो ये सब यहाँ से नमाज के लिए निकल रहे थे, नमाज़ पढ़ के आए, और जो है हमने चेंज वगैरह किए बच्चों के। अच्छा, मुझे इसमें
बैठने का इतना दिल चाह रहा था, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था कि हम बैठ नहीं सके। लेकिन हमने प्लान किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी जाना होगा तो जो है नई चीज़ें जो है वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। और जो है लेकिन जो है बच्चों को चेंज करने के बाद अगेन जो है बच्चे पानी की तरफ निकल गए थे, और क्योंकि जो है आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते बच्चों का, तो जो है जो कहते हैं सो बस आपको करना पड़ता है। और इस तरह जो है रियाद में हम रह रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें सी साइड और बीचेस वगैरह तो अवेलेबल ही नहीं होते हैं, तो बस ये था कि चलो अब मौका मिला है तो बच्चे जितना इंजॉय कर सकें कर लें। तो हम थोड़ी देर और रुक गए थे और जो है क्योंकि बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, एंड फाइनली हमारे निकलने का टाइम हो गया था क्योंकि सब जेंट्स नमाज़ पढ़ के आए। तो बस हमने अपनी पैकिंग ऑलरेडी की हुई थी और हम लोग गाड़ी की तरफ गए, सब सामान वगैरह सेट करके रखा और काफ़ी मज़ा आया इस दफ़ा में। और यहाँ पे जो हमें लोग मिले उनके साथ और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हमारा प्लान है कि जो है न्यू जगह हम लोग विज़िट करेंगे। और उसके बाद जो है क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था और थकन भी हो चुकी थी, आप वैसे भी सी साइड की साइड जाएँ तो आपको ऑलरेडी जो है वो एक अलग ही थकन हो जाती है, और जो है अंधेरा भी हो चुका था तो रास्ते में भी पूरे टाइम बारिशें हो रही थी, हमें बारिश मिली। और जो है लेकिन काफ़ी अच्छा सफ़र रहा इस दफ़ा का हमारा बहरीन का ट्रिप और खोबर का। दैन रास्ते में हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खा पी कर ही घर की तरफ जाएं, क्योंकि घर जाने के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती इतने लंबे सफ़र के बाद। सो बस हमने अपना खाना पीना किया और यहीं पर हमारा ये जो है ट्रिप का एंड हुआ। और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।